सर जानो, आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत मुबारक। मामा ईद मुबारक। ईद मुबारक। कब आओगी? लो बाबू, ईद मुबारक। इतने सारे 12,000 रुपए, बाप रे बाप। मेरी बड़ी अम्मी भाभी एंड ये रे छोटे 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 बच्चे। इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर आना। बट ईदी के लिए कभी मना नहीं करते। हाँ, अपी ने अपने शॉर्ट हेयर करा लिए, जिससे अम्मी ने अपी की बैंड भी बजाई थी, बहुत तगड़ी वाली। हाय जानो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग सर। मैं हूँ आप सबकी प्यारी कराई। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे तो आप लोग ही। एंड जानो, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। फाइनली आज ईद आ चुकी है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। पूरी रात से नहीं सोया हुआ, अभी भी एडिटिंग का काम चल रहा है। जैसा आपने मेरा छनरात व्लॉग देखा होगा, अभी एडिटिंग पूरी नहीं हुई है और इतना सारा काम है, अभी घर की सफाई वगैरह करनी है और सुबह मेरी आंखों के सामने ही हो रही है। सो मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती गाइज आप लोगों से अभी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। तो जल्दी पहले से ना हम सारा काम खत्म करने चलते हैं, फिर उसके बाद रेडी शेडी होंगे। बता आप लोगों को कितना काम होता है ईद पे। अगेन आप सबको ईद बहुत मुबारक, और आप लोग क्या क्या कर रहे हो जल्दी से बता दो। तो चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, अपना काम खत्म करते हैं। कितने बजे है? 8 बजे। इधर क्यों आ जाओ? 7:30 बजे है। 8:30 बजे। 8:30 बजे। एंड गाइस, यहाँ पे खीर की प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे इनायत अम्मी की हेल्प करी। इनायत तो सुबह ही उड़ गई आज भाई, और अम्मी जी ये रही। और भाभी यहाँ पे छाछ फुल्की के लिए पकौड़े बना रही हैं, जो बहुत सारे बन चुके हैं, अभी और बन रहे हैं। और घर में सब तैयार हो रहे हैं, डैडी भैया वगैरह सादिक, नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए। 8:30 बजे का टाइम है नमाज का। यस, फिर उसके बाद हम भी रेडी होंगे। सो सादिक गया नमाज पढ़ने के लिए एंड साजिद भैया भी चले गए नमाज पढ़ने के लिए। सो गाइज, यहाँ पे इनायत हो रही है ईद के लिए तैयार। ये रहे मेरे बाबू के अच्छे अच्छे पप्पे। जब तैयार हो जाएंगे ना, तब दिखाएंगे अच्छे से। आज तो इन्नू पहनने वाली है इयररिंग्स भी गाइज। मेहंदी दिखाना। अल्ले वाह भाई वाह, अल्ले वाह भाई वाह। ईद मुबारक मिल ली है डैडी से। यहाँ पे हमारी खीर बन रही है गाइस, यहाँ पे ईद मिल रही है डैडी से इनायत। एंड गाइस, मेरा बिल्कुल भी काम खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सारा काम है। रूम साफ वाफ करना है, बेडशीट बिछानी है। अपने वाले रूम की तो बिछा दी, मतलब शादी वाले रूम की तो बिछ चुकी है, बस अभी सफाई करना बाकी है। डैडी जी वाले बेड की भी करनी है, पूरे घर की सफाई करनी है, पर्दा लगाना है, बस जल्दी जल्दी से कर लूँ गेस्ट आने से पहले। मैंने क्या सोचा था, मुझे आज सबसे पहले नहाना है, सबसे पहले तैयार होना है। 8:06 हो गए भाई, नहीं हो पाया। और आज की जो हमारी नमाज ईद की, वो 2 बार होगी, मतलब पहली होगी 8 बजे, तो 8:00 पहली चल रही होगी और दूसरी होगी 9 बजे। इसलिए 2 टाइम पर हो रही है, क्योंकि हमारे साइड बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है गली के बाहर, रोड तक पूरा रोड गलियां भर जाती है नमाज से, पब्लिक से। तो इस वजह से 2 शिफ्ट में कर रहे हैं कि 2 शिफ्ट में हो जाएगी तो सही सही से पब्लिक आ जाएगी, पूरी गली भर जाती है। और माशाल्लाह वो देख रहे हो ना, तो लाजवाब होती है। सो गाइज, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इनायत का मेकअप करने के लिए। घर का काम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, खीर अभी बनी नहीं है, खीर भी बन रही है। 8:38 हो चुके हैं, मैं फटक से इन्नू को रेडी कर दूँ। कब से मेरे पीछे पड़ी, सफाई करने में लगे, किचन की सफाई करी, झाड़ू वाड़ लगेगा, डब्बे खोलना है, लाइटें निकालनी है, अल्लाह बहुत काम है। बस जल्दी से मैं इनायत को रेडी करने के बाद फटाक से सफाई करूँ, अम्मी की खीर बस जल्दी से हो जाए रेडी, फिर करते हैं हम तैयार होते हैं जल्दी से। सो गाइस, यहाँ पे मैं इन लोगों का मेकअप कर रहा हूँ। उसने बोला आटा बहुत हैवी मेकअप करना, एकदम भला भला डार्क डार्क बन करना। आ गए देखो, एकदम डार्क डार्क कलर है मेरे मेकअप। तो चलो जल्दी से इनायत का मेकअप कर देते, पता है बहुत ज्यादा देर हो रही है। तो इनायत के तैयार करने के बाद अब मैं खुद भी शॉवर वगैरह लेने के बाद आपसे मिलता हूँ। अले बाप ले, देखो तो भाई, ये तो दे दो। इन्नू ईद मुबारक, मिसबा ईद मुबारक, ईद मुबारक बाबू। आ भैया कैसे पानी साफ करी। ईद मुबारक मेरे बच्चे, ईद मुबारक भाभी, ईद मुबारक मेरा, ईद मुबारक। देखो कितना गंदे हालत में हो रहा, जस्ट अभी नहा के निकला हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। बताया वीडियो भी अभी तक चांद रात के अपलोड नहीं हुई, मैं जा रहा हूँ वीडियो की एडिटिंग करने, फिर रेडी होऊंगा, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ अब रेडी होने के लिए, मेरा मेकअप वगैरह निकाल लिया, मैं फटाक से जा रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, मेकअप कर लेता हूँ जल्दी से। और पता है इतने सारे गेस्ट आके चले भी गए, नायत को इतनी सारी ईदी भी मिल गई, मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं नहा रहा था, और जी जो भी आके चले गए मैं नहा रहा था।
नहाने नहाने में सारा टाइम निकल गया। मिसबा भी आके चली गई भाई। अब देखो अब कितने कितने कौन कौन क्या चाहते हैं, मुझे भी जाना है, लोगों को बोलना है, इनवाइट करना है जाके। सो जानो आपकी इकरा फाइनली ईद के लिए रेडी हो चुकी है, कैसी लग रही है कॉमेंट में जरूर बताना। बहुत ही लेट हो गया मुझे रेडी होते होते, इतने सारे लोग आगे। भाभी को मैंने बुलाया है अपना शूट करने के लिए, आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाने के लिए। कैसा लग रहा है प्लीज जरूर बताना। तो चलो चलते, पहले मैं अपना फाइनल लुक दिखा दूं। So guys, ये था मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक कैसा लग रहा है। सो जानो आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत मुबारक, मीन्स बहुत 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 मुबारक। एंड आप लोग अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हो या नहीं, मेरी तो अभी शुरू हुई है, अब तो मैं एंजॉय करूंगा। एंड मैंने व्लॉग भी यहाँ पे लाइव कर दिया है, एंड मैंने ऊपर बीट्स वगैरह भी लगाए हैं, झूमर वाला मतलब सहारे वाला भी पहना, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड गेस्ट अभी आने वाले हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ और अपने तरीके का दस्तरखान बिछाने के लिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो गाइस? ये देखो मेरी हील कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, लग रही है ना, प्लीज तारीफ कर दो। सच चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं रोज़ इसी के लिए लेके आई थी कि मुझे यहाँ पे ये सब कुछ लगाना है, गुलाब के पत्ते, जो कैसा लग रहा है कौन बताना, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, दिल खुश हो गया। एंड हमारे गेस्ट आ रहे हैं अभी ऊपर, तो जल्दी जल्दी से मैंने सजा दिया, कैसा लग रहा है जल्दी बता दो। वालेकुम अस्सलाम। तो चलो नीचे जा रहा हूँ मैं, सबको दावत देने के लिए नीचे, मतलब बाहर नेबर्स को अपनी। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग। हाँ मैं ढक दो। आफरीन अप्पे, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कब आओगी? बस अभी मैं ना नीचे से बुला लाऊ, अभी बराबर में से आ जाओ जल्दी से, पूरा दिन निकाल दिया यार, तुम्हें तो आई नहीं, पर घर बड़ा सुंदर डेकोरेट किया है, बहुत मस्त लग रहा है। देखो गाइस, ये मेरे डॉक्टर अंकल जी का घर डेकोर हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ ये पाकिस्तानी ना बहुत पहनते हैं, अच्छा लगता है। हाँ ये कशु की फ्रेंड भी लेकर। अच्छा अच्छा, लूसी लूसी को दूर कर लेना, नहीं आएगी नहीं आएगी, लूसी को दूर कर लेना भाई आज। सो अभी जो यहाँ पे मैंने उनको इनवाइट कर दिया है, अभी वो और बाकी उनको कॉल कर करके मेरे को बोलना पड़ेगा कि भाई आ जाओ आ जाओ। अरे अभी पैसे नहीं लेके आई आटा। सो गाइस मैं जा रहा हूँ इनायत को यहाँ ईदी देने के लिए। इन्नू बाबू इधर आ, लो बाबू ईद मुबारक, गले कौन लगेगा, ईद मुबारक। अरे मेरा बाबू, सब गाइस को चलो वो बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ये। सो अभी हमारी नेबर्स आई थी, अभी वो जस्ट अभी गई है और इन्हों को बहुत सारी ईदी दे के गई है। ओए होए, अभी तो मुझे एक रुपया भी ना मिला ईदी में, पता ना क्या है। हाँ चलो अम्मी ईदी दे रही है, ईदी दे रही है। सो गाइस अम्मी जी मुझे यहाँ ईदी दे रही है, इतने सारे
ये मेरे हैं, इतने सारे सच में क्या है, तुम बाद में ले लोगी। अरे बाप रे कितने हैं, गिनू तो जरा लो। सो गाइस पहले हम गिनते हैं कि अम्मी जी ने मुझे कितने दिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रुपए। बाप रे बाप, अल्लाह। सच में अम्मी तुमने मुझे 12,000 रुपए दिए, किस खुशी में? अल्लाह लगता अम्मी बहुत अमीर हो गई है। अम्मी तो है ही पहले से बहुत अमीर, अल्लाह मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब दिखाऊंगा सबको मेरी ईदी देख को मुझे 12,000 रुपए मिले। ये खुशी का जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 12,000 रुपए मुझे ईदी में मिले। यस। सो गाइस सुबह से अब खाने के लिए जा रहा हूँ, वो भी दही फुलकी खाने जा रहा हूँ। और ये नुखारी खीर दही फुलकी बनाई, जैसा आपने देखा हमारे घर पे दही फुलकी बनी है, खीर नहीं हलीम बना है एंड खीर भी बनी है। ये तो परंपरा है, हलीम खीर नहीं बनेगी तो हमारे घर वाले तो नाराज हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। सो गाइस साजिद भैया मुझे दे रहे हैं अभी ईदी, ये ईद मुबारक भैया, ये 500 रुपए अब मेरे पास हो गए, 12,500 रुपए, ये। मेरी कैलकुलेशन को लेके बहुत मजाक बनाई जाती है घर में। खैर अभी अम्मी भाभी भैया इनायत जा रहे हैं, मैं भी शप्पी के घर पे, मैं नहीं जा रहा क्योंकि घर पे भाभी वगैरह आ रही है, नायत भाभी फिर नोनी, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा तुम हो के आओ, जब तक मैं देख लूंगा उनको, जब तो वो तो यहाँ से देर तक बैठेंगे तुम आराम से आ जाना। और मेरी फ्रेंड वगैरह भी आने वाली है, वो कह रही है उनका फोन, अब कब से मेरे पास फोन और मैसेज आ रहे कि आ जा तू, आ जा बहन जल्दी आ जा, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं। और मैं गेस्टों की वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं उनको कैमरा पे दिखा नहीं सकता, जिन्हें मैं दिखाता हूँ मैं उन्हें दिखा रहा हूँ और मैं उन लोगों को कैमरा पे नहीं दिखाता हूँ, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, चलो जाओ ध्यान से, हाँ ठीक है जाओ। सो गाइस भैया तो चले गए, भाभी भी, अब अम्मी जी जाएंगे, भैया दो चक्कर लगाएंगे और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, पता है सैम पर सफाई करने जा रहा हूँ, मेहमान आ रहे हैं घर पे इस वजह से। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि अम्मी जी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए, अभी सबको दिखाऊंगा कि देखो 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 मेरी अम्मी ने मुझे कितने सारे पैसे दिए। मुझे यकीन नहीं था कि इतने सारे मिलेंगे इस बार, क्योंकि मेरी लाइफ के इतने सारे पैसे ना पहली बार, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलो पहले मैं घर की सफाई कर देता हूँ गाइस, मैं तब आप लोगों को मिलता हूँ। सो गाइस नीचे बड़ी अम्मी आ गई, मैं बड़ी अम्मी को लेने के लिए जा रहा हूँ। एंड गाइस हमारे घर पे आए हैं मेहमान, मेरी बड़ी अम्मी भाभी एंड ये रे छोटे 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 बच्चे आए हैं घर पे, तो इनको मैं खाना वाना खिला रहा हूँ। ईद मुबारक बहन, ईद मुबारक बच्चों, ईद मुबारक यार, उसको भी लेके आना रिमझिम वगैरह सबको, ठीक है अपनी अम्मी को तो ज़रूर ईद मुबारक। अभी तक ईदी मिल गई, बता दो कितनी ईदी मिली दीदी को, बताओ। 5,000 रुपए मिले। 5,000, थैंक यू, बोलो थैंक यू दीदी, बोलो दीदी घर आ जाओ, ईद है आज, घर आ जाओ ईद आज, इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर आना, हाँ इंशाल्लाह ये आएंगे, तुम्हारे घर भी आएंगे। चलो अल्लाह हाफिज़, ध्यान से जाना। बाजी आई है गुलशन बाजी, ईद मुबारक करने, नूनी ईद मुबारक भाई, कुछ ज्यादा ही लेट ईद मुबारक हो रही है मेरी। हाँ ईद ही नहीं दी भाई तुमने, ईद ही ये हर साल ऐसी बोलता, ईद करेंगे, पता नहीं कौन सी ईदी होती है, भतीजा हो गया तो फिर देखियो, हाँ फिर देखियो फिर बताऊंगा तुझे। हमारे घर में छोटा मोटू सा प्याला सा बाबू आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ये हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसके लिए, देखो कौन होता है बेबी बॉय बेबी गर्ल, हम एक्साइटेड है बहुत उसके लिए। इन्नू को पता है कितने पैसे मिले, 5,000 रुपए ईदी में मुझे। सो गाइस अभी जस्ट मेरी फ्रेंड वगैरह आई थी घर से तो वो गई है, मैंने उनका व्लॉग शूट नहीं किया था। एंड अभी अम्मी जी और मैं जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर, उसका बार बार फोन आ रहा है कि घर आ जा प्लीज़ आ जा, तो मैं उसी के घर जा रहा हूँ, उसका प्लान था आने का, बट वही है ना उसके भी घर गैस मेरे भी घर गैस, तो मैंने मौका निकाला, माँ भी मना करने लगी कि मैं नहीं जा रही, मैंने कहा ठीक है आप देख लेना कोई गैस आएगा, तो हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बस जल्दी से वहाँ से होके भाभी शाफी के घर होके देन आपसे फिर घर आ जाएंगे, फिर अम्मी जी को चाचा के घर भी जाना है। सो गाइस मैं फ्रेंड के घर आ चुका हूँ अपनी, एंड अभी यहाँ पे मैं इसी के घर में बैठ के अपने दही बल्ले बना रहा हूँ, देखो यार वो खुद तो बना नहीं रही, मुझे बनाने पड़ रहे हैं, वाइट सूट पहना है आज उसने वैसे, खैर तो खुद बनाने पड़ रहे हैं मुझे। हम्म,
वालेकुम अस्सलाम बहन, ईदी के लिए कभी मना नहीं करते हैं, ईदी के लिए नहीं मना करना चाहिए, ईदी तो ईदी इम्पोर्टेंट होती है। मुझे पता है मैंने कभी ना मना करूं, मुझे पता है मैंने पता कितनी ईदी दी, कितनी 12,000 रुपए पता है। देख इसका मुंह देखा, मैंने कहा था मैं सबको चढ़ाऊंगा, बता बता के मेरी अम्मी ने मुझे 12,000 रुपए दिए थी। मैं अम्मी मेरी अमीर है ऐसे थोड़ी है। मुझे तो हमारे घर आजा, अम्मी तुझे अगली बार देंगी। अगली बार ना मुझे अभी चाहिए तुझे दे, तू दे। बहन मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं तो तेरा छोटा भाई हूँ, तू मुझे दे दे। तू मुझे दे दे। मैं तो ईदी के लिए हर जगह आ जाऊंगा भाई, ईदी इम्पोर्टेंट है बहुत। तो अब हम जा रहे हैं, मैं भी शॉपिंग करी, इसको कह रहा हूँ ये जा नहीं रही, बट हम जा रहे हैं। ये कल आएगी क्योंकि इसी ने मना करा था ना, हमरी ना आएगी कल, अम्मी सबको लेके सुबह से शाम तक के लिए, फिर जाएंगे तो मेरी और फ्रेंड के पास, और बहुत सारा काम भी है ना, मम्मी को भी सबसे बड़ी है भी जान। सो फाइनली मैं अभी शॉपिंग कर पहुंच चुका है, मेरी मम्मी इनको भी लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी शॉपिंग के घर पे बनी है खीर जो हर बार बनती ही बनती है, एंड ये रहा कस्टर्ड जिसकी मैंने पहले बता दिया था कि मुझे तो भाई पहली पैक करके दे दियो, वो मैंने पहली पैक करवा के रखा हुआ है उसके लिए। एंड ये है चने, इसके अंदर है छाछ फुल्किया, आपका ये रहा लुक। बहुत देर से बोल रहे ना आपका लुक दिखा, आपका ये रहा लुक। एंड गाइस आपने बोला था ना आपका हेयर कट का, हाँ आपी ने अपने शॉर्ट हेयर करा लिए, जिससे अम्मी ने आपी की बैंडी बजाई थी बहुत तगड़ी वाली, बट आपी पे सूट भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आज भी अच्छा लग रहा है। हाँ गाइस मैं जूती उतार के पैदल चलता आया हूँ, डैडी जी का जैसे देखे, डैडी कह रहे मैंने मना किया था मैं तुझे नहीं पहन, दर्द हो जाएगा पैर में। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैंने हील पहनी है, और पहले तो मैं पेंसिल हील पहना करता था, हील ही पहनता था, जूती वगैरह कुछ नहीं पहनता था, बट नाउ मैं जूती पहनता हूँ, शूज़ पहनता हूँ, उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल मुझे कुछ नहीं लगता, बट आज मैंने पहन लिया, सुंदर तो बहुत लग रही थी। हालत खराब हो गई, घर पहुँच गया, अस्सलाम वालेकुम, सो रहा है मेरा बेटा। सो यह जानो मैंने अपना फेस वगैरह सब कुछ वॉश कर लिया है, चेंज भी कर लिया है, सारा सामान उठा के भी रख दिया, झाड़ू लगाना बाकी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, यू नो दो तीन दिन से सोया नहीं, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट मुझे ये ईद का ब्लॉग एडिट भी करना है, बट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ईद का ब्लॉग ही कल सेकेंड डे पे आ जाए, बट पॉसिबल नहीं है, बट इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। कैसी रही आप लोगों की ईद गाइस, प्लीज़ बताना, मेरी आँखें देख रहे हो कितनी मोटी मोटी हो रही है, मेरा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जैसे होता है ना मगरिब की जब अजान होती है ना ईद वाले दिन, अल्लाह मेरा दिल फट जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत याद आई जो हमारे अपने चाह चुके हैं, मेरा मूड इस टाइम पे ना। एंड सो चलो जाना, मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करने चाहिए, आई होप आप सबको ये फर्स्ट डे का ईद का व्लॉग बहुत अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने में मतलब आईडी यहाँ शोरी होगी, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, इंशाल्लाह कल मिलेंगे सेकंड डे के व्लॉग पे, ओके बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।